सबसे दुखद रहा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बनाया, और दुर्भाग्य है कि यहाँ 3,70,000 परिवार को कार्ड मिला, परिवार को, और उसमें मात्र 50,000 परिवार को ही कार्ड बन पाया है। आज अगर डीएम होते तो मैं डीएम से पूछता, लेकिन सिविल सर्जन भी नहीं उनके बिहाफ में आए थे। मुझे बड़ी दुख हुआ कि पेशेंट की संख्या भी बहुत कम है, कार्ड ही कम बना, प्रचार प्रसार नहीं है। अब मैंने आग्रह किया है कि अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि क्या आप गरीबों के हित की बात नहीं करते, क्या आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को विफल करना चाहते गरीबों के हित के लिए। तो मैं बहुत ही असंतोषजनक बातें हुई, मैंने बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, और ये जिला के सिविल सर्जन ऑफिस के अधिकारियों से भी, आनंद शर्मा डॉक्टर आए थे, उनसे भी बातचीत की, और मैंने अपना असंतोष जताया है। हॉस्पिटलों में उसका पंजीकरण नहीं हो रहा, उस पर भी हम चिंता व्यक्त किए हैं। एक हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए कह रहा है, उसको अभी तक परमिशन नहीं मिला है, जिला में है नहीं, अब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहा है तो उसको आप परमिशन दे रहे हैं। बुरा स्थिति है आयुष्मान भारत का, बहुत ही बुरा स्थिति। कमेटी की बैठक, भोजन करने में आप और हम कभी रुक रहे हैं, कोटेश्वर कमेटी की मीटिंग छोड़ रहे हैं। कस्टोडियन कौन है इस विभाग का, हेल्थ का? मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 साल से है। अगर 10 साल से है तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी FIR हो और आप लोगों पर भी FIR होनी चाहिए। कह रहे हैं कि तनखा लेने में तो कोई कमी नहीं है। नए और पुराने नहीं होते हैं, सिस्टम सिस्टम होता है, MP सिस्टम सिस्टम होता है, कुछ नहीं करते। लेकिन ये क्या तरीका है? बाढ़ में तो आपका पोर्ट खुल गया, बाढ़ में मैं घूम रहा था बलिया में, आके लोग थे, केवल बोतल रखा हुआ था और कुछ नहीं था, पत्रकार लोग साथ। वहां से सीधे गए जीवन अस्पताल, जीवन अस्पताल गए तो तुमको कुछ लोगों ने जीवन अस्पताल नहीं सर, सब जिला में नियम लागू है। मैं आनंद जी कह रहा हूँ, सिस्टम होता है। ये लोग कह रहे हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर करने में अक्षम हो, जनता का पैसा लगा, कस्टोडियन हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहेगा हमको हैंडओवर होगा तब तो मैंने कहा कि आप उसको चेंज क्यों, उसकी पत्नी परिवार सब लड़ रहा।